इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देश में एक दिन में 1,33,000 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव, 2,897 लोगों की मौत, 24 घंटे में 2,11,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए। देश में लगातार घट रहा एक्टिव केस, 17 लाख के करीब पहुंचे मामले, रिकवरी दर 92% पहुंचा। महाराष्ट्र में कोरोना के 15,169 नए पॉजिटिव केस, 285 लोगों ने जान गंवाई। मुंबई में कोरोना से 24 घंटे में 31 मरीजों की मौत, 925 नए केस। देवेंद्र फडणवीस का हमला, कहा महाराष्ट्र में छिपाए जा रहे मौत के आंकड़े। यूपी में कोरोना के 1,514 नए केस सामने आए, 115 लोगों की मौत। दिल्ली में एक दिन में 576 नए मरीज मिले, 103 मरीजों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना के 25,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए, 483 मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 12,768 नए पॉजिटिव केस, 15,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। ओडिशा में कोरोना से 40 लोगों की मौत, 8,399 नए केस सामने आए। राजस्थान में कोरोना के 1,276 नए मरीज सामने आए, 65 लोगों की मौत हुई। गुजरात में 4,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए, 1,333 नए केस सामने आए। गोवा में कोरोना के 706 नए मामले, 1,700 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 1,718 नए केस दर्ज, 24 लोगों ने गंवाई जान। वैक्सीन की कमी के आरोप पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिया जवाब, अब तक सभी प्रदेशों को 23 करोड़ डोज दिए गए। केंद्र सरकार ने कहा राज्यों के पास 1,64,00,000 से ज्यादा डोज बचे हुए, देश में वैक्सीन की कमी नहीं। देश में अब तक 22 करोड़ से ज्यादा लोगों का हुआ वैक्सीनेशन, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। मुंबई के सरकारी और म्यूनिसिपल सेंटर पर आज कोरोना की वैक्सीन नहीं दी जाएगी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने वैक्सीन की कमी होने की कही बात। यूपी में अब तक 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन की पहली डोज, 35 लाख से ज्यादा लोगों को लगी दूसरी डोज। ममता बनर्जी ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा दिसंबर 2021 तक सबका वैक्सीनेशन करना बीजेपी का जुमला, राज्य सरकारों को वैक्सीन नहीं दे रही सरकार। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सभी राज्यों के सीएम को चिट्ठी लिखी, कहा राज्यों के लिए केंद्र ही वैक्सीन खरीदे। कोविड वैक्सीन पर फाइजर कंपनी के प्रवक्ता का बयान, कहा भारत सरकार के साथ वैक्सीन सप्लाई को लेकर चर्चा जारी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से वैक्सीन की खरीद का मांगा ब्यौरा, पूरे आंकड़े देने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को भी मुफ्त टीकाकरण पर स्थिति साफ करने को कहा, टीकाकरण नीति को लेकर की टिप्पणी, कहा मूक दर्शक नहीं रह सकता कोर्ट। कोवैक्सीन की दूसरी डोज को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में 2 याचिकाओं पर हुई सुनवाई, याचिका में तय समय में दूसरी डोज लगाए जाने की मांग। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को लगाई फटकार, पूछा जब कोवैक्सीन की दूसरी डोज नहीं दे सकते तो क्यों शुरू किए गए वैक्सीनेशन सेंटर। बॉम्बे हाईकोर्ट ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों को वैक्सीन लगाने के बारे में पूछा सवाल, कहा घर जाकर क्यों नहीं लगा सकते वैक्सीन। केरल हाईकोर्ट पर राज्य सरकार ने दिया बयान, कहा केंद्र की वैक्सीनेशन पॉलिसी की वजह से बढ़ रही कालाबाजारी, वैक्सीन की कीमत तय की जाए। बिहार के नालंदा में वैक्सीनेशन के लिए मस्जिद में की गई अनाउंसमेंट, सवैत पंचायत में कोई भी टीका लग लेने को नहीं था तैयार। ग्रेटर नोएडा में पुलिस वालों के लिए वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन, फ्रंटलाइन वॉरियर्स पुलिस टीम और उनके परिजनों को लगेगी वैक्सीन। राजस्थान में आरबीएससी की 10वीं 12वीं की परीक्षा रद्द हुई, अशोक गहलोत सरकार ने लिया फैसला। मध्य प्रदेश में नहीं होगी 12वीं की परीक्षा, आंतरिक मूल्यांकन के जरिए घोषित किए जाएंगे परिणाम। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा अगर कोई बच्चा परिणाम से संतुष्ट नहीं तो कोरोना खत्म होने के बाद दे सकता है परीक्षा। गोवा राज्य सरकार ने भी रद्द की 12वीं बोर्ड की परीक्षा, मंत्रियों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ हुई मैराथन बैठक के बाद सीएम प्रमोद सावंत का फैसला। महाराष्ट्र में भी रद्द हो सकती है 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं, 1 से 2 दिन में हो सकता है फैसला। उत्तराखंड में भी रद्द की गई 12वीं की परीक्षा, शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने दी जानकारी। 12वीं बोर्ड के मूल्यांकन को लेकर बोले सीबीएसई के सेक्रेटरी, कहा जल्द करेंगे मूल्यांकन के आधार पर ऐलान। प्रियंका गांधी वाड्रा ने राज्यों से की अपील, सीबीएसई की तरह अभिभावकों और शिक्षकों से बात कर ले फैसला। मुंबई में टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी के खिलाफ पैंडेमिक एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज, बांद्रा बैंडस्टैंड में दोपहर 2 बजे बेवजह निकले थे घूमने। मध्य प्रदेश के राजगढ़ से आई हैरान करने वाली तस्वीर, परियों के पानी से कोरोना ठीक होने की अफवाह उड़ते ही मंदिर में उमड़ी भीड़। पुलिस ने अंधविश्वास फैलाने वाले 4 लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस, राजगढ़ के चाटू खेड़ा की घटना, अनलॉक होते ही कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ी। शाजापुर में लॉकडाउन की उड़ी धज्जियां, बीज नहीं मिलने पर किसानों ने नेशनल हाईवे जाम किया, प्रशासन ने आश्वासन मिलने के बाद ही किसान हटे।
जम्मू में शराब दुकानों के बाहर जुटी भारी भीड़, दुकान में स्टॉक आते ही लंबी लंबी लाइनों में लोग अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। गुजरात के 36 शहरों में 4 जून से खुलेंगी सभी दुकानें, 11 जून तक लागू रहेगा नाइट कर्फ्यू। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट से मिली मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की मंजूरी, कोरोना में अनाथ हुए बच्चों की मदद के लिए खास योजना। महिला एवं बाल विकास विभाग मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का मसौदा बनाने में जुटा, पात्रता से लेकर अन्य जरूरी शर्तों को तय किया जा रहा है। पोस्ट कोविड में अभिभावक की मौत होने पर भी मिलेगी सहायता, मौत के साक्ष्य के लिए एंटीजन या आरटीपीसीआर की टेस्ट रिपोर्ट समेत सीटी स्कैन में इंफेक्शन रिपोर्ट हो सकता है मान्य। उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू में मुक्त हुए जिलों के अस्पतालों में नियम और शर्तों के साथ 4 जून से शुरू हो सकती है ओपीडी, योगी सरकार ने आदेश जारी किया। राजस्थान सरकार आज कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को करेगी राहत पैकेज की घोषणा, मंत्रिमंडल की बैठक में सीएम गहलोत ने किया फैसला। अनाथ बच्चों के शिक्षण और बेघर बच्चों को आवासीय छात्रावासों में रखने की होगी व्यवस्था, आर्थिक संबल को राहत पैकेज में शामिल किया जाएगा। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को 21 साल के होने के बाद 5 लाख रुपए देगी महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र बीजेपी ने राज्य में कोविड मैनेजमेंट के दौरान बड़े घोटालों का आरोप लगाया, कहा कोविड सेंटर में थर्मामीटर से लेकर ऑक्सीमीटर तक की खरीद में करोड़ों का हुआ भ्रष्टाचार। बीजेपी विधायक अमित साटम ने बीएमसी अधिकारियों को लिखी चिट्ठी, पूछा 5 करोड़ का टेंडर 8 करोड़ में क्यों दिया। पंजाब में सभी प्राइवेट अस्पतालों को डिस्प्ले करना होगा कोरोना ट्रीटमेंट चार्ट, स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने दिया सीएमओ को आदेश। पंजाब में ब्लैक फंगस से अब तक 35 लोगों की जान गई, अकेले लुधियाना में ब्लैक फंगस के 36 केस, 6 मरीजों की मौत। हरियाणा में ब्लैक फंगस के कुल 927 मामले सामने आए, अब तक 75 लोगों की मौत, 734 मरीजों का इलाज जारी। इंदौर के महाराजा यशवंत राव अस्पताल में ब्लैक फंगस से पिछले 20 दिनों में 32 लोगों की जान गई। अमेरिका में 34 मिलियन के पार पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा, अब तक 6,10,000 से ज्यादा लोगों की मौत। पर्यटकों के लिए खुला अमेरिका का लास वेगास, लगी पर्यटकों की भीड़। ब्रिटेन के एक स्टेडियम में वैक्सीन के लिए लगे लंबी लाइन, लोग कतारों में नजर आए। ब्राजील में 14 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, सिर्फ 35% बच्चों के साथ खुलेंगे स्कूल। भगोड़ा कारोबारी मेहुल चौकसी के मामले में डोमिनिका कोर्ट आज सुना सकता है फैसला, कल कोर्ट ने एक दिन के लिए टाला था फैसला। डोमिनिका सरकार ने कोर्ट में कहा चौकसी को भारत को सौंपा जाए, चौकसी की अर्जी सुनवाई के योग्य नहीं। मेहुल चौकसी की पत्नी का बयान, मेहुल के साथ हुई मारपीट, जल्द सुरक्षित एंटीगुआ लौटे मेहुल। मेहुल चौकसी के वकील ने मेहुल के भाई पर लगे आरोपों का किया खंडन, कहा मेहुल का हालचाल लेने डोमिनिका आया था उसका भाई। एंटीगुआ के पीएम ने 14 अक्टूबर 2019 को मेहुल चौकसी को भेजी थी चिट्ठी, जानकारी छिपाने के आरोप में छीनी गई थी नागरिकता। एंटीगुआ के पीएम ने कहा मेहुल ने यूपीपी के सदस्य को बनाया अपना वकील, कैंपेन में फंडिंग के बदले सुरक्षा का दिया था वादा। एंटीगुआ के पीएम ने कहा मेहुल चौकसी को वापस भारत भेजे डोमिनिका, मेहुल अब भी भारत का नागरिक। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बीजेपी पार्षद अशोक पंडित की हत्या, त्राल इलाके में अज्ञात आतंकवादियों ने मारी गोली। अपने सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर किसी से मिलने गए थे राकेश पंडित, गोलीबारी में एक महिला भी हुई जख्मी, हमलावरों को पकड़ने के लिए पुलिस चला रही अभियान। पार्टी के नेता की हत्या पर जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने जताया शोक, कहा पाकिस्तानी आतंकियों को चुन चुन कर मारेंगे। बीजेपी नेता राकेश पंडित की हत्या पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने जताया दुख, कहा हिंसा ने जम्मू कश्मीर को हमेशा कष्ट दिया। पुलवामा के त्राल में एसओजी कैंप में संदिग्ध ने छीनी पुलिस की राइफल, फायरिंग में एक पुलिसकर्मी घायल। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकियों का एक सहयोगी गिरफ्तार, ग्रेनेड और AK-47 राइफल की गोलियां बरामद। सेना अध्यक्ष जनरल नरवणे ने जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा से की मुलाकात, राज्य में सुरक्षा को लेकर हुई बातचीत। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह पार्टी के 3 सदस्यीय कमेटी से आज शाम या कल सुबह करेंगे मुलाकात, राज्य में पार्टी की अंदरूनी कलह रोकने को लेकर पार्टी ने बनाई है कमेटी। ममता बनर्जी का बयान, खत्म हुआ आलापन बंदोपाध्याय का चैप्टर। अभिषेक बनर्जी ने कहा कोरोना के दौरान रैली करने पर पीएम मोदी, गृहमंत्री समेत सभी पार्टियों पर आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। हरियाणा के फतेहाबाद में किसानों ने दी गिरफ्तारी, टोहाना के विधायक के गांव में प्रदर्शन करने पहुंचे थे किसान। गूगल का दावा, भारत का IT नियम उस पर नहीं लागू होता, दिल्ली हाई कोर्ट से अपना फैसला बदलने की अपील। 5G तकनीक पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, जूही चावला समेत कई लोगों ने दायर की थी याचिका। बिहार में नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़कियों के लिए होगी 33% आरक्षण।
रेसलर सुशील कुमार को दिल्ली के मंडोली जेल भेजा गया। कोर्ट ने 9 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। मुंबई से सटे दहिसर मर्डर केस में खुलासा, मृतक की पत्नी और उसका प्रेमी 3 महीने से रच रहा था मारने की साजिश। राजस्थान के कोटा में पति ने ली पत्नी की जान, हत्या के बाद शव को गली तक घसीटा, थाने जाकर खुद को गिरफ्तार करने के लिए बोला। नोएडा में अवैध कॉल एक्सचेंज सेंटर चलाने वाले गैंग का पर्दाफाश, 40 लाख रुपए कैश के साथ सेक्टर 58 पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के बरौला गांव में ग्रामीणों पर पुलिस टीम का हमला, शराब की तस्करी की खबर पर छापेमारी करने गई थी पुलिस। बिहार के मुजफ्फरपुर में डॉक्टर्स की लापरवाही से गई बच्ची की जान, गले में लीची का बीज अटकने पर डॉक्टर्स ने मांगी कोरोना रिपोर्ट, कोरोना रिपोर्ट आने तक बच्ची की जान चली गई। कर्नाटक के एक अस्पताल में बच्चे की मौत के बाद डॉक्टर पर हमला, 4 आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में सड़क पर दिखा बाघों का जोड़ा, खुले में घूम रहे बाघ के इस जोड़े को देखकर लोग हैरान रह गए, बाइक सवार लोगों ने बनाया वीडियो। उत्तराखंड के देहरादून में तेज आंधी के साथ हुई मूसलाधार बारिश, शहर में कई जगह जलजमाव। संगीत के जरिए कोरोना काल में जेके वाइट सीमेंट की पहल, लोगों को मोटिवेट करने के लिए सिंगर शान की आवाज में उम्मीद नाम से गाना लॉन्च किया। जेके सीमेंट कंपनी का लक्ष्य तनाव के माहौल में फैले पॉजिटिविटी और एकजुटता, महामारी में कंपनी ने लाखों लोगों तक पहुंचाई मदद। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्रंप का फैसला पलटा, अलास्का में ऑयल और गैस लीज रद्द। आइसेक हर्ट्ज़ोग बने इसराइल के 11वें राष्ट्रपति, 120 सांसदों ने किया वोट। मलेशिया के आरोपों पर बोला चीन, कहा ट्रेनिंग कर रहे थे सैन्य विमान। चीन में बवंडर ने मचाई तबाही, एक शख्स की मौत, 16 घायल। फिलीपींस में तूफान से 3 लोगों की मौत, सैकड़ों लोग घर के घर हुए तबाह, 3,000 से ज्यादा यात्री फंसे। इटली के माउंट एटना ज्वालामुखी में फिर विस्फोट, क्रेटर से लगातार निकल रहा लावा और राख, ज्वालामुखी से निकला राख आसमान में 5 किलोमीटर ऊपर तक फैला। इंग्लैंड रवाना होने से पहले बोले टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का कोई दबाव नहीं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।